आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज की जाती है इलेक्ट्रोड्स बनाने में। तो एक्चुअल में ग्रेफाइट जो होता है वो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपका एलोट्रोप होता है कार्बन का। इसमें खास बात ये होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ग्रेफाइट में नॉन बॉन्डेड होते हैं, जो कि माइग्रेट करते हैं ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में। तो होता क्या है, जो आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डेड होते नहीं है, और जिनकी वजह से क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टिव नेचर दिखा सकता है। मेन चीज यही है कि इलेक्ट्रोड्स में कंडक्टिव नेचर होना जरूरी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड इसी वजह से ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये काफी स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे, और कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन में से जो तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डेड होते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ रहता है चार में से वो फ्रीली मूव करता है, इसके से कंडक्टिविटी आती है, और साथ साथ ये हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, दैट इज की मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है ग्रेफाइट का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में, और ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा चीप भी होता है। सो दिस इज द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।